हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवृद्धितिमन। सैनिक स्कूल अमेठी से शिक्षक भर्ती का एक नया नोटिस जारी हुआ है, जहां ट्वेल्थ स्टूडेंट, ग्रेजुएट, बीएड स्टूडेंट और सीटेट क्वालिफाई यहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। सैलरी आप लोगों को यहां पर 25,000 25,000 पर मंथ आप लोगों को मिलेगी। 35 ईयर तक स्टूडेंट यहां पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो चलिए, इसकी जो मेन वेबसाइट है जहां से एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है, तो वहीं जो है वो हम जाकर देखेंगे, सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, कैसे जो है वो आप एप्लीकेशन करेंगे और लास्ट डेट जो है वो क्या रहने वाली है। तो ये सैनिक स्कूल अमेठी की मेन वेबसाइट है। यहाँ रिक्रूटमेंट में जो है वो आप लोगों को देखना है कि वैकेंसी जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट की आई है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, सैनिक स्कूल अमेठी का जो है ये पूरा जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पर टीजीटी जनरल साइंस, टीजीटी हिंदी, मेडिकल ऑफिसर और पीटीआई कम मैट्रोन, जिसमें फीमेल ही जो है केवल एप्लीकेशन कर सकती हैं, और लैब असिस्टेंट यानी साइंस लैब, तो यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो अब एक एक करके जो है हम इनकी क्वालिफिकेशन और सैलरी और एज जो है वो चेक करेंगे। टीजीटी जनरल साइंस में जो है यहाँ ग्रेजुएट विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या बायोलॉजी में जो है होना चाहिए, आपकी स्नातक जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, साथ में आपके पास जो है वो बीएड डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में इन्होंने कहा है कि मस्ट हैव क्वालिफाइड, या आपने सीटेट जो है वो क्वालिफाई किया हो, या आपने यूपी टेट क्वालिफाई किया हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। 25,000 पर मंथ आप लोगों को सैलरी यहाँ पर मिलेगी। टीजीटी हिंदी के लिए जो है यहां पर मांगा गया है कि बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ में बीएड और सीटेट या यूपी टेट कंपलसरी। 25,000 यहां पर भी जो है आप लोगों को मिलेंगे। यहां पर एज जो है वो सभी में 25 से 35 ईयर रखी गई है। हिंदी के लिए भी 21 से 35 साल तक के स्टूडेंट एप्लीकेशन कर पाएंगे। मेडिकल ऑफिसर के लिए, अब ये जो स्कूल है सैनिक स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है, आप सभी जानते हैं, इसका बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पर जो है मेडिकल ऑफिसर का भी जो है एक वैकेंसी है, जो कि एमबीबीएस डिग्री क्वालिफिकेशन इसकी मांगी गई है। तो यहाँ पर जो है वो 18 से 50 साल तक के स्टूडेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। 25,000 यहाँ सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट जो है पीटीआई कम मैट्रोन, जहाँ फीमेल ही केवल यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकती है। ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में आपने किया है, वीपीएड किया है, तो आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। 25,000 सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी। साथ में और भी ऑप्शन है, यदि आपने डीपीएड अवार्डेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आफ्टर ट्रेनिंग और मिनिमम वन एकेडमिक सेशन प्रोवाइडेड दैट द एडमिशन क्वालिफिकेशन फॉर द डिप्लोमा इज एट लीस्ट अ यूनिवर्सिटी डिग्री। यहां पर जो है लिखा है कि द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू स्टे इन द गर्ल्स हॉस्टल एकोमोडेशन। ठीक है, तो केवल पीटीआई फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लिखा गया है। एज जो है 21 से 35 ईयर ही रहने वाली है। लैब असिस्टेंट में यहाँ 12th मांगी गई है। साइंस स्ट्रीम के साथ 21 से 35 साल के जो स्टूडेंट यहाँ एप्लीकेशन कर पाएंगे। 18,000 सैलरी लैब असिस्टेंट को यहाँ पर मिलेगी। तो आपने अगर 12th किया है साइंस के साथ में, या इसकी इक्विवेलेंट कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है 12th में, तो आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट जो कि वैकेंसी निकली है, इसमें लिखा है कि आपका जो पढ़ाना है वो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना होगा। सैनिक स्कूल जो है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो आपको जो है यहाँ पर इंग्लिश में ही जो है वो पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, बाकी आपने हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में किससे पढ़ाई की है, ये जो है वो मैटर नहीं करता है। आपको टीचिंग इंग्लिश में करनी होगी। अब देखना एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन कैसे करनी है। तो केवल ऑफलाइन मोड ही जो है वो आप लोग एप्लीकेशन कर पाएंगे, ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म इसी पीडीएफ फाइल में नीचे दी हुई है। इफ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट, अगर कोई स्टूडेंट एक से अधिक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहता है, तो सेपरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट, हर पोस्ट के लिए उसको अलग अलग एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। मस्ट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स अलोंग विद द एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ में अपने जितने भी 10th के बाद के जितनी भी मार्कशीट डिग्री हैं, तो उनको उसके साथ में ही जो है आप लगा के सेल्फ अटेस्टेड खुद के साइन करके उनकी कॉपी आप लोगों को लगानी है, और फिर जो है वो लिफाफे के अंदर जो आप लोगों को डाल देनी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी जो उसमें लगाने हैं। कैंडिडेट मस्ट अटैच डिमांड ड्राफ्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹500। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ₹500 का जो है डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना होगा, और एससी एसटी के लिए ₹250 का
करना होगा। उसके बाद जो है वो आप लोगों को एप्लीकेशन एनवलप जो है उसके ऊपर साफ साफ शब्दों में कैपिटल लेटर में लिखना है ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी साइंस, किसके लिए आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं वो आप लिखेंगे, और एड्रेस जो है वो आप लोगों का ये रहेगा, ये एड्रेस जो है वो आप लोगों को एनवलप के ऊपर लिखना है। लास्ट डेट जो है वो 1 सितंबर रहने वाली है, तो आप लोगों के पास जो है वो बिल्कुल 10 दिन है, आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल जो है वो ऐसा स्कूल होता है जहाँ पर जो है वैकेंसी बहुत कम जो है वो खाली होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो स्टूडेंट लगते हैं वो काफ़ी टाइम तक जो है यहाँ पर जॉब करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस लेने के लिए हर स्टूडेंट चाहता है कि यहाँ पर जो है वो 2-3 साल तो कम से कम जो है यहाँ पर जॉब करे, ठीक है। तो बहुत कम सब्जेक्ट की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर लिखा है बाय हैंड ईमेल या ईमेल से जो एप्लीकेशन आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऑफलाइन मोड में, यानी आप लोग स्पीड पोस्ट करें या फिर जो है रजिस्टर्ड पोस्ट करें, साफ साफ जो है यहाँ पर लिखा गया है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर वर्किंग ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी अभी वर्किंग में चल रही है तो उसी को जो है वो आप लोग लिखें एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि आप लोगों का जो कॉल लेटर है, आप लोगों को जो बुलाया जाएगा तो वो ईमेल के थ्रू ही बुलाया जाएगा। सिलेक्शन जो है वो कैसे रहेगा, यहाँ पर तो बहुत बड़ा स्कूल है तो यहाँ पर एग्ज़ाम तो बनता है, रिटन टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू यानी कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो है आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, या हो सकता है केवल आपका इंट्रो ही ले लिया जाए, क्योंकि रिटन टेस्ट जो है उन्होंने ले ही लिया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो है वो आपकी होंगी, रिटन टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू होगा, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में होता है। सैनिक स्कूल अमेठी का जो है ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि नीचे दिया हुआ है, इसको जो है आप साफ शब्दों में जो है वो लिखें अच्छे तरीके से। ऐसी ही वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।